साल 2023 की शुरुआत से ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनीज अपने थाउजेंड एंड थाउजेंड एम्प्लॉइज को ले ऑफ दे रही हैं। और हाल ही में गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट INC ने भी ये डिसाइड किया है कि ये अपने 12,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ देने वाली हैं। इससे पहले मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ने ले ऑफ दिया है, लेकिन अगर मैं IT सेक्टर की बात करूँ तो IT सेक्टर में करंटली बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ अनाउंस कर रही हैं। तो आखिर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी बिग टेक कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ क्यों दे रही हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। 2023 के स्टार्टिंग में ही गूगल के CEO सुंदर पिचाई जी अपने एम्प्लॉइज को एक ईमेल लिखते हैं जहां पर मेंशन होता है कि गूगल बहुत ही जल्दी अपने स्किल 12,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ देने वाली है। और यहां पर मेंशन करते हुए उन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन्हें तो पहले ही नोटिस दे दिया गया है, लेकिन यहां पर स्पेशली उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि USA के अलावा जितनी भी अदर कंट्रीज के एम्प्लॉइज हैं उनके कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से इन्हें ले ऑफ दिया जाएगा। अब सुंदर पिचाई जी ने तो बोल दिया कि ले ऑफ देने वाले हैं, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है इसके बारे में भी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गूगल की। गूगल ने अपने 12,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ देने के पीछे का रीजन बताया है कि गूगल के कस्टमर्स ने अपने एक्सपेंडिचर को कट डाउन कर दिया है और इसी की वजह से गूगल के रेवेन्यूज में बहुत ज्यादा फर्क आया है और ऑपरेशंस में भी बहुत ज्यादा कमी आई है। तो करंटली अगर बात की जाए तो गूगल के पास जितना काम नहीं है उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। तो जब कभी भी किसी भी कंपनी के ऑपरेशंस कम होते हैं तो सबसे पहले वो कंपनीज अपने एम्प्लॉई को ले ऑफ देती हैं। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि गूगल से पहले माइक्रोसॉफ्ट ने भी अनाउंस किया था कि ये अपने 10,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ देने वाले हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के टोटल वर्कफोर्स का 5% निकल कर आता है। और दुनिया भर में बढ़ते हुए रिसेशन की वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ दिया है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के रेवेन्यूज भी गिरते जा रहे हैं। देखो, अगर IT सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू गिरती है तो इसका मतलब यह है कि IT सेक्टर की सारी कंपनीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती हैं। तो बेसिकली यही चीज देखी गई है दुनिया भर की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने भी अनाउंस किया है कि ये अपने मेटा के 10,000 एम्प्लॉइज को फायर करने वाला है, ले ऑफ देने वाला है। और यहाँ पर इस चीज का रीजन देते हुए मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि इस कंपनी का जो कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है और इसके कंपैरिजन में रेवेन्यू जो है वो कम होता जा रहा है। तो मार्केट का सीधा सा फैक्ट है कि कोई भी कंपनी को एक्सेप्ट नहीं होगा कि उस कंपनी का कॉस्ट बढ़ता जाए और प्रॉफिट कम होता जाए। और जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में ले ऑफ के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं उस चीज का इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा है और इंडिया की बहुत सारी टेक कंपनीज ने भी अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ दिया है। और इंडिया की इन कंपनीज में सबसे पहला नाम आता है विप्रो का। विप्रो ने भी अपने 400 एम्प्लॉइज को ले ऑफ दिया है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। और अगर आप लोगों ने विप्रो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है और अगर आपको जानना है कि विप्रो ने 400 एम्प्लॉइज को ले ऑफ क्यों दिया है तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल ले ऑफ को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।